हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज मर्ज सॉर्टेड एरे, एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ दैट सीरीज दैट वी आर गोइंग वी आर वी हैव क्रिएटेड ऑन टू पॉइंटर अप्रोच। सो प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे वीडियोज ऐड कर चुके हैं, अराउंड 6 to 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग द इजी लेवल क्वेश्चंस टू कि आपको एक फील आए कि हाउ वी अप्रोच अ टू पॉइंटर एल्गोरिथम क्वेश्चंस एंड कैसे हम आइडेंटिफाई करें। सो दिस इज द क्वेश्चन मर्ज सॉर्टेड एरे, वेरी फेमस क्वेश्चन बट इट्स अ इजी लेवल क्वेश्चन। सो इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपको दो एरे गिवन होंगे जो कि अपने में ही सॉर्टेड होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी 1, 2, 3 एंड 2, 5, 6। ओके, सो ये दोनों एरे अपने में ही सॉर्टेड होंगे, बट हमें जो रिजल्टेंट एरे बनाना है उसमें इन दोनों के जो सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उनको भी सॉर्ट करना है। लाइक 1, 2, 3, 2, 5, 6, इनका फाइनल सॉर्टेड एरे क्या होगा? 1, 2, 2, 3, 5, 6। तो हमें दोनों एरे में से एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन। ऐसा नहीं है कि इस एरे को हमें रिटर्न करना है, ठीक है, उसको हमें नम्स वन में ही स्टोर करना है। ओके, अब आप पूछोगे कि नम्स वन में तो 1, 2, 3 है, बट उसका साइज 3 गिवन है, बट एक्चुअली में लास्ट में जो तीन एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स नम्स टू में होंगे उतने 0 प्रेजेंट होंगे नम्स वन में। अगर नम्स टू में 4 एलिमेंट है और नम्स वन में 3 एलिमेंट है, तो आखिरी में नम्स वन के 4 एलिमेंट जो कि नम्स टू में, लेट्स सपोज व्हाट आई वांट टू से इज, लेट्स सपोज नम्स वन में हमारे पास 1, 2, 3 है, ओके, एंड नम्स टू में 4, 5, 6, 7 है, तो नम्स वन में जितने भी नम्स टू में एलिमेंट है उतने जीरोस भी रहेंगे। ओके, सो इसीलिए हमें कोई एक्स्ट्रा एरे रिटर्न नहीं करना है, बल्कि जो भी हमारा सॉर्टेड एरे आ रहा है उसको हमें नम्स वन में डालना है। ओके, उसका ध्यान पहले से इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि जिसको मैं समझाऊं। कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिदम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन टाइम? ओके, दिस कैन बी अ फॉलो अप क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। ओके, लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं एंड देन वी विल सी सम मोर ऑप्टिमाइजेशन। तो पूरे सीरीज में मैंने इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि जहां पे भी सॉर्टेड वर्ड आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा चांस है कि आपको एक बार जरूर सोचना है टू पॉइंटर एल्गोरिथम के बारे में। ओके, सो लेट्स टेक इट, लेट्स सपोज नम्स वन हमें जो एरे गिवन है दैट वॉज 1, 2 एंड 3, एंड नम्स टू जो एरे गिवन है लेट्स सपोज दैट इज 2, 5 एंड 6, ठीक है। और m का वैल्यू क्या है नम्स वन में? m का वैल्यू जो गिवन है वो क्या है? 3। एंड n का वैल्यू जो गिवन है वो भी है 3, बट नम्स वन में 3 जीरोस भी प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज नम्स टू में उतने एलिमेंट्स हैं, उसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है। जो बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे, सॉर्टेड वर्ड देखते हैं, हमें टू पॉइंटर दिमाग में आना चाहिए। सो एक पॉइंटर हम यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंटर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा एरे का हेल्प लेते हैं, ठीक है। सो हम एक एक्स्ट्रा एरे बना लेते हैं जिसका साइज क्या होगा, एम प्लस एन, है ना, बिकॉज हमें 6 एलिमेंट्स को रखना है। ओके, तो हम एक एरे बना लेते हैं जिसका की साइज होगा एम प्लस एन, तो इसका टोटल साइज हो जाएगा 6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स। अब देखना ध्यान से, और एक हम वेरिएबल बना लेते हैं के, जो कि इस नए वाले एरे के 0 को पॉइंट कर रहा होगा। इनिशियली के का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, कूल। चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई और जे में छोटा कौन सा है? आई और जे में छोटा तो यार आई है, तो मैं ये जो नया एरे है सपोज इसका नाम है न्यू एरे, तो न्यू एरे के का वैल्यू क्या है? 0। उसमें मैं क्या रख दूंगा, जो भी सबसे छोटा है विच इज 1, तो मैं यहाँ पे 1 को रख दूंगा एंड आई को मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। जे तो अभी एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें आई पे तो हमने डिसीजन ले लिया है, तो उसको वहां पे रख के कोई फायदा नहीं। फिर हम देखेंगे आई और जे में छोटा कौन सा है, या फिर इक्वल्स टू भी ले सकते हो। सो 2 इक्वल्स टू है, तो फिर से मैं ओके, हाँ अब के को मैं इंक्रीज कर दूंगा एक एलिमेंट आने के बाद, अब के आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा। ओके, अब आई और जे में बराबर है, सो हम किसी भी एक को, सपोज मैं आई को आगे बढ़ा देता हूँ और आई को मैंने यहाँ ले आया, और के का वैल्यू हो जाएगा 2, सो के बेसिकली अब यहाँ पे आ जाएगा, कूल। अब आई और जे में छोटा कौन सा है? जे, तो हम जे की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे विच विल बी 2, और जे को आगे बढ़ा देंगे।
एंड सेम एज इट इज के को भी हम आगे बढ़ा देंगे। ओके फिर आई और जे में छोटा कौन सा है, आई और जे में छोटा तो यार आई है, तो हम इस आई के वैल्यू को डाल देंगे और आई खत्म हो जाएगा और के का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है अब के यहाँ पे पहुंच जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नम्स 1 पहले खत्म हो जाए और नम्स 2 के सारे एलिमेंट बचे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नम्स 2 खत्म हो जाए और नम्स 1 के कुछ वैल्यू बचे हों। ओके इस केस में नम्स 1 खत्म हो गया बट नम्स 2 के तो वैल्यू बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर नम्स 2 का लेंथ, मतलब चेक कैसे करेंगे, सिंपली हम ये करेंगे ना कि j इज लेस देन n, अगर अभी ऐसा हो रहा है मतलब नम्स 2 के एलिमेंट अभी बचे हुए, तो उसको हम एज इट इज डाल देंगे, पहले 5 डालेंगे फिर j को आगे बढ़ाएंगे एंड फिर k को भी आगे बढ़ाएंगे एंड k यहां पे आ जाएगा, फिर 6 को डाल देंगे एंड j आगे बढ़ जाएगा एंड k भी आगे बढ़ जाएगा एंड फाइनली हमारा j भी एग्जॉस्ट हो गया एंड i भी एग्जॉस्ट हो गया। अब हमारा जो रिजल्टेंट एरे आया उसमें दोनों एरे के जो वैल्यू थे उसको भी हमने सॉर्टेड फैशन में ले आया, बट यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। ओके बिकॉज हमें ये एक्स्ट्रा एरे रिटर्न नहीं करना है, यर यू कैन सी ना कि इसका जो आउटपुट है, जो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड, और इसमें भी बोला है कि द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन बट इंस्टेड बी सॉर्टेड इनसाइड स्टोर्ड इनसाइड द एरे नम्स 1। ठीक है तो नम्स 1 में क्या है, 1 2 3 बस नहीं है, 3 0 भी है, है ना, जितने नम्स 2 में वैल्यू थे 0 भी है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, ये सबको कॉपी कर देंगे, 1 को यहाँ ले आएंगे, ये 2 को यहाँ ले आएंगे, ओवरराइट कर देंगे, फिर ये 2 को यहाँ ले आएंगे, ये 3 को यहाँ ले आएंगे, 5 को यहाँ ले आएंगे, 6 को यहाँ ले आएंगे, सिंपल कॉपी कर लेंगे, तो फाइनली नम्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 2 3 5 6, सिंपल। ठीक है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन, बिकॉज हम इसमें एक बार मूव कर रहे हैं, इसमें भी एक बार पूरे में मूव कर रहे हैं, बट एक एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी, बिकॉज हम एक एक्स्ट्रा एरे भी ले रहे हैं। क्या हम विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा एरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट पहले मैं इस वाले पार्ट को भी कोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है बहुत ही सिंपल सा है, सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले मैं जावा में कोड कर लेता हूँ, है ना, तो हमने एक न्यू एरे बनाया था और न्यू एरे का जो साइज था वो क्या था, एम प्लस एन, है ना, बिकॉज जो हमारा सॉर्टेड एरे के वैल्यूज होंगे, सो वी नीड एन एक्स्ट्रा एरे स्टोर द सॉर्टेड वैल्यूज, तो हमें एक एक्स्ट्रा एरे चाहिए ही चाहिए। फिर हम 3 पॉइंटर बनाए थे, आई को भी 0 में रखे थे जो कि नम्स 1 में आइट्रेट करेगा, जे को हमने 0 पे रखा था जो कि नम्स 2 पे आइट्रेट करेगा, और जो के था उसको भी हमने 0 पे रखा है, वो किसको आइट्रेट करेगा, न्यू एरे को आइट्रेट करेगा। ठीक है अब ये काम हमको कब तक करना था, आइदर आई इज लेस देन एम एंड जे इज लेस देन, है ना, अगर ऐसा ही तो था ना कि ये वाला पार्ट कि हम जो कंपेयर कर रहे थे आई और जे में छोटा कौन है वो कब तक चलता था, अगर किसी में भी एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गए तो हमें ये वाला काम रोक देना था, है ना। सो व्हाट वी वर डूइंग, इफ नम्स 1 आई इज लेस देन नम्स 2 जे, है ना, इस केस में हम क्या कर रहे थे, या फिर आप यहाँ पे इक्वल्स टू भी डाल सकते हो, अगर इक्वल्स टू नहीं डालोगे तो वो एल्स ब्लॉक में वैसे भी एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, न्यू एरे के इज इक्वल्स टू, छोटा है, छोटा कौन सा है, नम्स 1 छोटा है, नम्स 1 डॉट, है ना, इसके बाद हमें क्या करना था, आई पे तो हमने डिसीजन ले लिया तो आई को बढ़ाएंगे एंड के पे भी हमने डिसीजन ले लिया तो के को भी आगे बढ़ाएंगे, बट इस वाले पार्ट को ध्यान देना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ आई प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस, इस केस में मुझे ये ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है बिकॉज इसके बाद अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो तो हम ब्रेसेस ना भी लगाएं तो इट डजंट मैटर। ओके न्यू एरे k प्लस प्लस इज इक्वल टू नम्स 2 j प्लस प्लस, है ना, अगर नम्स 1 छोटा नहीं है इसका मतलब कौन सा छोटा है, नम्स 2 छोटा है, है ना, बट इसके बाद हम एक और स्टेप भी करते थे कि मान लो कि i में अभी भी एलिमेंट्स बचे हैं, है ना, वाइल i इज लेस देन m, मतलब ऐसा हुआ था ना कि नम्स 1 पहले खत्म हो गया था और नम्स 2 में एलिमेंट्स बचे हुए थे, बट इसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि नम्स 2 खत्म हो जाए और नम्स 1 में एलिमेंट बचे हों, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली अगर आई में अभी भी एलिमेंट्स बचे हैं तो डायरेक्टली हम कॉपी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है ठीक इसका अपोजिट भी हमें करना पड़ेगा, व्हाइल जे इज लेस देन एन, इस केस में भी हमें यही करना पड़ेगा,
कि अगर आई एग्जॉस्ट हो गया मतलब नम्स वन एग्जॉस्ट हो गया बट नम्स टू के सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो हमें सिंपली कॉपी कर देना है। उसके बाद हमारा जो न्यू एरे था वो प्रिपेयर हो चुका था बट इसको हमें नम्स वन में कॉपी भी करना था, तो हम सिंपली क्या करते हैं फॉर इंट पी ले लेते हैं, पी इज इक्वल टू 0, पी लेस देन एम प्लस एन, है ना। सिर्फ एम या एन मत ले लेना क्योंकि सिर्फ एम या एन लोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। बिकॉज जो हमारा नम्स वन का रियल लेंथ क्या है वो एम प्लस एन है ना टोटल है। ओके सो लेट्स सी पी एंड सिंपली हम कॉपी पेस्ट कर मतलब कॉपी करेंगे एक एक करके। सो नम्स वन ऑफ पी इज इक्वल टू न्यू एरे, न्यू एरे से हम बेसिकली नम्स वन में कॉपी कर रहे हैं। सो लेट्स गिव इट अ रन। ओके एंड आई थिंक इट्स वेरी बेसिक वन। ओके सो इसको हम सबमिट कर लेते हैं बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा आ जा रही है बिकॉज हमें एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ रहा है ना। सेम को मैं क्या करता हूँ सी प्लस प्लस में भी लेके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बिकॉज बोथ द लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी सिमिलर। ओके तो यहाँ पे वेक्टर है और हमें कुछ नहीं करना है, सो न्यू एरे बनाना है। सो हम क्या करते हैं वेक्टर दोनों ही वेक्टर है एंड ओके सो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं एक वेक्टर ही बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इन और इसका नाम ले लेते हैं न्यू एरे। ठीक है ओके कूल आई जे के सेम 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 आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इश्यू होने वाला है एंड आई थिंक दिस शुड रन। सो लेट्स सी कि क्या ये चलता है सी प्लस प्लस में भी एंड देन ओके सो यहाँ पे कुछ रन टाइम एरर आ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली वी कैन ऐड द साइज ऑफ इट एम प्लस एन, हम एक्सप्लिसिटली उसका साइज दे देते हैं सो मे बी इट कैन सॉल्व इट। ओके सो इट्स वेल एंड गुड रनिंग, सो इसको हम एक बार सबमिट लगा देते हैं। ओके सो इट्स वेल एंड गुड रनिंग, सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज लाइक इसका हम जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज इट फर्दर। ओके सो नम्स वन एंड नम्स टू हम सेम एज इट इज ले लेंगे एंड लेट्स सी कि हम इसको कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके सो अब हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच को देखते हैं। ठीक है सो मैं क्या करता हूँ सेम जो हमारा टेस्ट केस था उसको मैं ले लेता हूँ एंड हमारा जो नम्स वन है उसमें था 1 2 3 एंड 3 0 थे और इसकी एम की वैल्यू जो गिवन थी वो थी 3 एंड एक हमारा नम्स टू भी था जिसमें था 2 5 6 एंड इसकी एन की वैल्यू भी थी 3। ठीक है अब ध्यान देना कि थोड़ा ज्यादा ध्यान देना यहाँ पे। ओके सो अब ध्यान देना कि अगर हमें नम्स वन को ही यूज करना है और आखिरी में गार्बेज 0 पड़ा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मैं सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ले आऊँ फिर उससे कम लार्जेस्ट फिर कम ऐसे छोटा छोटा करते जाऊँ, है ना। तो अगर मुझे आखिरी इंडेक्स में सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो क्या मुझे आई और जे की कंपेरिजन यहाँ से चालू करना चाहिए या फिर यहाँ से कंपेरिजन चालू करना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे 3 और 6 वाले आई जे को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि वहीं पे मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट मिल सकता है एंड के को हम यहाँ पे रख देंगे बिकॉज हमें एक ऐसा भी तो पॉइंटर चाहिए होगा जहां पे भी ये आई और जे में जो सबसे बड़ा मिला उसे हम प्लेस कर पाए और इस के की इंडेक्सिंग क्या होगी एम प्लस एन माइनस वन, है ना। बिकॉज 6 माइनस 1 5 और यही तो के की वैल्यू होगी, है ना। अब देखो आई और जे में सबसे बड़ा कौन सा है, जे बड़ा है तो हम जे में जो भी वैल्यू है वो नम्स वन ऑफ के में डाल देंगे एंड के को छोटा कर देंगे एंड जे को भी छोटा कर देंगे क्योंकि हमने जे पे डिसीजन ले लिया है। अब आई और जे में बड़ा क्या है जे, तो हम फिर से जे की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे एंड के को छोटा कर देंगे एंड जे को भी छोटा कर देंगे। कूल आई और जे में बड़ा कौन सा है आई, तो हम क्या करेंगे आई की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे एंड के को छोटा कर देंगे एंड के को सॉरी आई को भी छोटा कर देंगे। अब आई और जे में किसी को भी ले सकते हो दोनों बराबर है, तो लेट्स सपोज मैं जे को ले लेता हूँ और जे में जो भी वैल्यू थी उसको यहाँ डाल देता हूँ और के को छोटा कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना कि जैसे ही जे एग्जॉस्ट हो गया इसका मतलब यह है कि हमारा नम्स वन ऑलरेडी पूरा सॉर्टेड है और आप देख भी सकते हो हमारा वैल्यू क्या आ गया 1 2 2 3 5 6, है ना। सो अगर जे एग्जॉस्ट हो गया तो ऑब्वियसली नम्स वन सॉर्टेड ही होगा क्योंकि दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड ही थे, है ना।
बट क्या ऐसा हो सकता है कि नम्स टू में एलिमेंट्स बचे रहें और नम्स वन एग्जॉस्ट हो जाए? ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, तो हम ट्राई करते हैं एक ऐसा टेस्ट केस बनाने का और उसको फिर से हम ट्राई रन करते हैं, लेट्स सी। तो मैं क्या करता हूँ यार, नम्स वन में अब क्या डाल देता हूँ, 2, 5, 6, एंड नम्स टू में मैं डाल देता हूँ 1, 2, 3, और इसमें मैं 000 डाल देता हूँ। m का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, n का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, सिंपल। ओके, कुछ नहीं किया है मैंने, बस इनपुट्स को अब रिवर्स कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको एक और सिनेरियो में दिखा पाऊँ। अब वही हम करेंगे, i और j को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, k यहाँ पे रहेगा। i और j में बड़ा क्या है, i, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, k को छोटा कर दूंगा एंड i को भी छोटा कर दूंगा। i और j में बड़ा क्या है, i, तो फिर से मैं इसको i की वैल्यू को यहाँ डाल दूंगा, k को मैं छोटा कर दूंगा एंड आई को भी मैं छोटा कर दूंगा। आई और जे में बड़ा क्या है, जे, तो जे की वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दूंगा एंड के को मैं छोटा कर दूंगा एंड जे को भी मैं छोटा कर दूंगा। अब आई और जे में किसी को भी ले सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं आई को ले लेता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो आई की वैल्यू को मैं यहाँ डाल देता हूँ एंड के को छोटा कर देता हूँ और आई को छोटा कर देता हूँ। अब देखो नम्स वन में वैल्यू एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सारे वैल्यू यूज हो चुके हैं। इस केस में हमें क्या करना है, जितने भी बचे हुए नम्स टू के एलिमेंट है एज इट इज यहाँ पे डाल देना है, बिकॉज इतना पार्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, बस यही दो पार्ट को इंक्लूड करना है। और जैसे हम इंक्लूड कर देंगे, 1, 2, 2, 3, 5, 6 आ जाएगा, जो कि हमारा आउटपुट पहले भी आ रहा था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें बेसिकली लास्ट से स्टार्ट करना है और के को नम्स वन का जो टोटल लेंथ है एम प्लस एन, उसके लास्ट इंडेक्स पे डालना है। एंड ऐसा हो सकता है कि नम्स टू पहले ही एग्जॉस्ट हो जाए, उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि नम्स वन ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। बट अगर ऐसा होता है कि नम्स टू में अभी भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं, उस केस में हमें नम्स टू के सारे जितने बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो नम्स वन के स्टार्टिंग में कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कोड करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स कोड इट। सो अभी हमें कोई भी एक एक्स्ट्रा एरे की जरूरत नहीं है, पहले मैं जावा में कोड कर लेता हूँ एंड देन वी विल कोड इट इन C++। तो हमें कोई भी एक एक्स्ट्रा एरे लेने की अब जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, आई को हमने एन माइनस वन से स्टार्ट किया था और जे को हमने एन माइनस वन से स्टार्ट किया था और एम को मैंने बोला था एम प्लस एन माइनस वन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सी चीजें चेंज हो जाएगी। If, यहाँ पे मैं कंडीशन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज हम टेल से हेड की तरफ आ रहे हैं। ओके, अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इफ नम्स वन आई इज लेस देन इक्वल टू नम्स टू जे। ओके, इसमें हमें बड़ा, ओके अगर नम्स टू बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू एरे तो हमें नहीं चाहिए, नम्स वन पे ही हम डाल रहे हैं, है ना। नम्स वन, अब के माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, बिकॉज हम पीछे आ रहे हैं एंड नम्स टू को हमने कंसिडर किया है, तो नम्स टू और जे माइनस माइनस हो जाएगा। आई होप शायद आपको इतनी ना समझ आया हो। चलो मैं एक बार बेसिक रन करता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन। देखो हमें काम कब तक करना है, जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा हो एंड सेम टाइम जे का भी वैल्यू 0 से बड़ा हो, उस केस में हम कंपेयर करेंगे नम्स वन और नम्स टू में। अगर हमें नम्स टू बड़ा मिल गया तो हम क्या करेंगे, नम्स वन के पोजीशन पे नम्स टू का जे को हम डाल देंगे क्योंकि हमें बड़े को ही डालना है एंड देन हम जे को भी माइनस माइनस कर देंगे एंड के को भी माइनस माइनस कर देंगे। इसी को मैं यहाँ पे भी तो माइनस माइनस कर सकता हूँ यार, सिंपल है ना, इसी लाइन को मैंने ऊपर कर दिया है। आई होप अब थोड़ा समझ आ गया होगा। अब इस केस में जे बड़ा था, अब जो एल्स वाले में होगा उसमें आई बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, नम्स वन, नम्स वन के माइनस माइनस एंड नम्स नम्स वन आई माइनस माइनस कर देंगे, है ना, ठीक। इसका अपोजिट है, अब आई को तो आई वाले को तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लूप अगर कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी नम्स वन सॉर्टेड ही होगा, है ना। बट अगर नम्स वन पहले एग्जॉस्ट हो गया, उस केस में हमें नम्स टू के सारे वैल्यू को कॉपी करके जरूर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, व्हाइल जे इज लेस देन इक्वल्स टू 0, उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली जे इज मोर देन इक्वल्स टू 0, तो हमें सेकंड वाले एरे के सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट वाले एरे में डालना पड़ेगा, नम्स वन के माइनस माइनस एंड नम्स टू जे माइनस माइनस हमें करना पड़ेगा।
इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये कॉपी फिर से जो हम एक्स्ट्रा एरे लिए थे उसके कारण हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था, तो वो कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। ओके, सो थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन। वो तो पिछले वाले की भी थी, बट पिछले वाले में हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस भी लेना पड़ रहा था ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन का, वो हमें इसमें नहीं लेना पड़ेगा। ओके, सेम को मैं सी सी प्लस प्लस में भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड जो भी हमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना होगा वो हम इम्प्रूवमेंट इसमें कर लेंगे। ओके, सो दैट्स इट। आई होप इसमें हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, सेम होगा सी प्लस प्लस और जावा का कोड। वेल एंड गुड रनिंग। सो अभी तक हमने बहुत सारे बेसिक और इजी लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व किया टू पॉइंटर अप्रोच में, ताकि आपको एक फील आने लग जाए कहाँ टू पॉइंटर अप्रोच लगना चाहिए, किस तरह से हम टू पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं, किस किस वेरिएशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हमने देख लिया है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। अभी आपका जो टू पॉइंटर के जितने भी फाइव क्वेश्चंस आई गेस हमने सॉल्व किया है, जो कि बेसिक इजी लेवल पे थे, इसको आप बार बार सॉल्व करो ताकि आपको एक अप्रोच डेवलप हो कि कहाँ पे टू पॉइंटर लगता है, देखते ही समझ आए, सॉर्टेड वर्ड देखते ही टू पॉइंटर दिमाग में आना चाहिए। जहां पे भी ऐसा फील आए कि दो डिफरेंट पॉइंटर्स या दो से ज्यादा पॉइंटर्स एक साथ कैरी ऑन हो सकते हैं, वहां पे आपको टू पॉइंटर लगाना है। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड स्टे ट्यून्ड। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल गाइस। सो दैट्स इट, थैंक यू। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।